हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य यादव एंड यू वॉचिंग द सोशल इंडियन। और अगर आपका लीगल पोर्शन जो है वो कमजोर है तो आप इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज अगर आपका पोर्शन बहुत अच्छा है तो आप इस वीडियो को बंद कीजिए। अपने प्रिपरेशन का टाइम खराब मत कीजिए। एग्जाम में थोड़ा सा कम समय बचा हुआ है, लगभग 15 दिन के आसपास आपके लिए बचे हुए हैं, तो अब इस टाइम को आप बिल्कुल मत गवाइए कहीं भी अगर आप चाहते हैं तो। हाँ, इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपका लीगल पोर्शन में लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग या पॉलिटी वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा कमजोर हो तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊं। अब जब मैं यहां पर हेल्प करने की यहां पर बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं सीधा सीधा उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने अब तक जो है चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ी हैं, या फिर चीजें पढ़ी हैं याद नहीं हो रही हैं, समझ नहीं आ रही हैं। लीगल मैक्सिम हो, चाहे वो लीगल टर्म्स हो, उन चीजों से यहां पर वो घबरा रहे हैं, या फिर आपके लिए जो लीगल कॉन्सेप्ट है, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन, उन्हें ऐसा लगता है कि जी चारों के चारों ऑप्शन ही सही है। क्योंकि यहां पर लीगल रीजनिंग का आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको प्रिंसिपल और फैक्ट दिया होता है, और वहां पर आपको प्रिंसिपल को देखकर लगता है कि आपको चारों के चारों ही ऑप्शन जो है वो सही है। और जब आपके लिए ऐसा होता है तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। अब इस केस को, इस उलझन को सुलझाने के लिए मैं आपको सीधी सीधी पॉइंट पर आता हूं और बिना टाइम खराब किए आपसे बात करता हूं। जी, आप सभी को पता होगा कि हम यहां पर आप लोगों के लिए इस साल जो है हमने आप लोगों के लिए यहां पर कोर्सेस निकाले थे, और हमने एक 10 डे का कोर्स निकाला था लीगल का। अब यहां पर आपके लिए 15 दिन बचे हुए हैं। अब 15 दिनों को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें तो आप इन 10 दिनों को यहां पर हमारे साथ दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये एक्सपीरियंस जो रहा है सभी लोगों के लिए, अब तक जितने भी बैच रहे हैं, हमने इससे पहले 8 बैच किए हैं और ओवर 300 स्टूडेंट्स को हम यहां पर आपके लिए गाइड कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अगर चाहें तो इस लास्ट बैच का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि अगर एंट्रेंस 9 तारीख को होता है तो ये बैच 27 से शुरू हो रहा है और ये प्रोबेबली लास्ट बैच होगा एंट्रेंस से पहले, और आपके एंट्रेंस से पहले ये खत्म भी हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप लीगल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड या फिर पॉलिटी से घबरा रहे हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ी सी टेंशन हमें भी ले लेने दीजिए अपने बारे में। दूसरी चीज अगर मैं यहां पर आपसे कहूं तो इस बैच में हम आपके लिए जितनी भी हमें लगता है कि यहां पर आपके लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं समझने के लिए, वो सारे यहां पर आपके लिए कवर कराएंगे। डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में यहां पर छोड़ दूंगा। रिव्यू वीडियोस भी मैं कुछ अटैच कर दूंगा, जो हमारे 8वें बैच की रिव्यू वीडियोस हमें आई है कि सर कोर्स कैसा है कैसा नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। आप जैसे बच्चे हैं बनाने वाले रिव्यू वीडियोस, उम्मीद करता हूं आप में से कई लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि सर 10 दिन में कोर्स कवर कैसे होगा। तो जी ये तो आप ही मुझे 10 दिन के बाद बताएंगे, जी हां सर ये चीजें हो गई और मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं या फील कर रही हूं, उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और स्पेसिफिकली कोई ये मत कहिएगा कि सर आपने ये तो वीडियो जो है वो पूरी की पूरी कोर्स के बारे में बना दी। जी हां, मैंने इंटेंशनली ये वीडियो बनाई है क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, लास्ट के 2 दिन बचे हुए आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन आज के और कल का, तो मैं नहीं चाहता कि यहां पर कोई भी मिस करे, तो मैं यहां पर सीधा सीधा आपको जो है वो बोल रहा हूं और सीधा सीधा आपको कह रहा हूं। चलिए, तो ज्यादा लंबी इस वीडियो को नहीं करता हूं, ज्यादा देर बात भी नहीं करता हूं। टाइम खराब मत कीजिएगा, सीट्स हमने यहां पर लिमिटेड रखी है, हो सकता है लास्ट बैच है तो सीट्स जो है वो 2 दिन से पहले भी फुल हो सकती हैं, तो उस चीज का आपको ध्यान रखिएगा। मैं रिव्यू वीडियोस यहां पर अटैच कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए, सॉरी बट दिस वीडियो इज इंडीड नीडेड, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके लिए किसी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। DLLB के प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। BHU का एग्जाम भी 27 को है, तो आप सभी को अगर उसका भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। सी यू ऑल, बाय। जय हिंद, जय भारत। हेलो, आई एम नैना। मैंने आदित्य सर की क्लासेस उनके यूट्यूब चैनल द सोशल इंडियन से ज्वाइन की थी। वो चैनल मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी, फिर मैंने उनका लीगल का बैच ज्वाइन करा। मुझे वहाँ पर उनकी टीचिंग इतनी अच्छी लगी कि मैंने दूसरा बैच भी ज्वाइन करा जो कि लॉजिकल का है, और अब दोनों ही बैचेज में मुझे काफ़ी अच्छे से सब चीज़ें समझ में भी आ रही हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी फील हो रहा है। प्रिपरेशन तो मैं पहले से भी कर रही थी, पर तब मुझे इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा था, पर आफ्टर टेकिंग हिज क्लासेस मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं अब अच्छे से एग्जाम कर सकती हूँ। अगर मुझसे कोई भी रिकमेंडेशन मांगेगा तो मैं ज़रूर क्लासेस रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा फील हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि इसका फ़ायदा और लोग भी उठाएं। ये पॉकेट फ्रेंडली भी है और आपका ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करेगी, थोड़े ही टाइम में आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिए जाते हैं। ये मेरा पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विमलेश त्रिपाठी प्रयागराज से। मैं आज एक छोटा सा रिव्यू वीडियो आदित्य सर की टीचिंग के बारे में देने जा रहा हूँ। आदित्य सर इज द बेस्ट टीचर फॉर DULLB एग्जामिनेशन। आदित्य सर, अगर मैं बात करूँ लीगल रीजनिंग की या लॉजिकल रीजनिंग की या मैथ्स चैप्टर्स की, तो आदित्य सर हर एक चैप्टर को हमारे जीवन से, हमारे लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, जिसे हमें समझने में बेहद आसानी होती है। यदि आप भी DULLB एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या अगले वर्ष करेंगे, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप एक बार आदित्य सर की क्लास लेकर देखें।
हमें भरोसा है कि आप भी बहुत संतुष्ट होंगे। और मैं आदित्य सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और टीम सोशल इंडिया को भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। हेलो, आई एम राजकुमार। आई ज्वाइन लीगल बैच ऑफ आदित्य सर। आई ऑलरेडी हैड स्टडी लीगल बाय माई सेल्फ बट आई हैड लॉट्स ऑफ डाउट, बट थैंक्स टू आदित्य सर हु क्लियर्ड ऑल माई डाउट एंड हु हेल्प मी टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट वंस अगेन बिफोर द एंट्रेंस एग्जाम। आई एंजॉयड हिज क्लासेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हिज वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेक्स लीगल रीजनिंग रियली ईजी फॉर मी। थैंक्स टू आदित्य सर वंस अगेन फॉर हिज गाइडेंस। हेलो, आई एम वृंदा जैन। आई हैव टेकन द क्लासेस फ्रॉम द आदित्य सर ऑफ लीगल। येस, द क्लासेस इज वेरी वर्दी बिकॉज हाउ ही एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट इज लाइक रिलेटेड टू द रियल लाइफ एंड विच इज रियली अ गुड इनर लॉ टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम अ सी एस, बट बिफोर दैट आई कॉन्ट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, बट नाउ ईच एंड एवरी थिंग्स आर ऑन माई टिप एंड येस द क्लासेस आर वेरी गुड एंड the sir explanation and moreover he was always on time, never be late for the class, and really I would like everyone to take the classes from the sir. Hello everyone, my name is Shivang and I would like to thank Aditya sir for making my life easy, for providing this coaching, and jo unhone coaching provide ki uske karan se 750 rupees, you know, बहुत ज़्यादा ही नॉमिनल अमाउंट है, बहुत कम होता है। मतलब उसमें अगर आपको कोई बेस्ट दे रहा है, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब आई विश कि आप लोग ये करें। एंड अगर जो लोग लीगल या एप्टी किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है एंड मतलब क्विक सॉल्यूशन है, एंड थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी एंड हेल्पिंग एवरी वन हु इज़ टेकिंग पार्ट इन योर कोचिंग। सर, मैं हिमाचल काठी प्रयागराज यूपी से। सर, मैंने आपकी लीगल की बैच ज्वाइन की है और अभी 7 दिन हुए हैं और अभी तक मुझे आपको उसका पूरा पैसा वसूल हो रहा है। सर, काफ़ी बढ़िया आपने बताया और आपके जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में। मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे, लेकिन जो एग्जाम्पल्स जो टॉपिक है वो काफ़ी क्लियर करते हैं और इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई है। कई सारे क्वेश्चन पहले मैं अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती थी या उसके जो आंसर होते थे वो मैं समझ नहीं पाता कि वो आंसर क्यों है, मेरा आंसर क्यों होगा, लेकिन अब सर वो थोड़ा अंडरस्टैंड करने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा, मुझे ज़्यादा समझ में आता है। सर, अगर ड्रॉबैक की बात की है, ऐसे कुछ ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं नहीं है, कोई नेगेटिव पॉइंट भी नहीं कह सकता, लेकिन सर एक जगह लगता है उन्हें कि उसमें आप और वर्क कर सकते हैं। जैसे कि जब भी आप कोई टॉपिक एंड करते हैं, लॉ डॉट या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे टॉपिक्स हैं, तो जिस दिन आप एंड करते हैं, अगर उस दिन शाम को या जब भी आपको टाइम मिले 15 से 20 मिनट, अगर आप एक्स्ट्रा कोई टाइम देके तब पता है बात, जो भी डाउट्स होते हैं लोग उसका जब बैठ के रीड करते हैं तो थोड़े बहुत डाउट्स आ जाते हैं। आप 11 बजे 11 दिन आप कहते हैं डाउट क्लासेस चलाने, लेकिन अगर वो उस दिन थोड़े क्लियर हो जाएंगे तो सर ज़्यादा मुझे लगता है सही रहेगा। बाकी सर बहुत बढ़िया क्लासेस हैं सर, थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मैंने आदित्य सर की लीगल क्लासेस का बैच 8th ज्वाइन किया था और मुझे उस बैच में पढ़ने के बाद में आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि मैं लीगल के अंदर एक अच्छा स्कोर दे पाऊँगा। उसी के साथ साथ सर जो एग्जांपल्स का यूज़ करते हैं, जिस तरीके से क्लास लेते हैं, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल भी रहा कि मैं बहुत आसानी से अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख गया। और मैं सर का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मेरा लीगल का डर ख़त्म कर दिया और आज मैं क्वेश्चंस को भी और किसी भी तरीके का कोई भी सवाल हो मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर पाता हूँ और मैं ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और वो जिस प्रकार से पढ़ाते हैं मुझे बड़ा मज़ा आया उनके साथ पढ़ करके। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर हेल्प, थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आर एन पोदार एंड आई हैव टेकन द लीगल क्लासेस बाय आदित्य सर रिसेंटली एंड मुझे क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल लगी। सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाते हैं और हम क्लासेस को एंजॉय भी कर पाते हैं। उसका रीज़न से ये किया है कि जो सर एग्जांपल्स हमें देते हैं, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, काफ़ी रिलेटेबल होते हैं। हम सब
सोचते हैं कि हाँ कि ये डेफिनेशन है या ये कॉन्सेप्ट है, हम जब पढ़ते हैं तो हम लगता है कि क्या लिखा है ये कुछ समझ में नहीं आएगा, काफ़ी डिफिकल्ट है, बट जब सर एग्जांपल्स देके समझाते हैं तो बहुत इजीली हमें समझ में आ जाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार गुप्ता। आई जस्ट ओनली वांटेड टू से दैट द क्लासेस ऑफ लीगल रीजनिंग इज अल्टीमेट एंड द सोशल इंडियन टीम एंड आदित्य यादव सर इज डूइंग देयर ग्रेट जॉब। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आदित्य यादव सर के साथ क्लास लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं उनके साथ पढ़ के, जो पहले बात थी अब आज की बात में बात अलग है। तो एंड आई एम डूइंग माई बेस्ट टू गेट इन टू द ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच। हेलो सर, so you asked us to review your legal classes, like how we are feeling and how we are getting it or not properly. So I would say yeah, it's pretty fine because they are touching every topic. Like today we studied Hindu law and you almost touched every topic. Only thing I find which is not very apt is sometimes I feel legal classes get a bit, you know, disengaged. Sometimes I don't feel it's very engaging, but I feel it happened today because I feel वही बात है जो आपने बोली थी वो भरत पुराण वाली, maybe that's why वो थोड़ा लगा कि because it was like कि वन वे था वो थोड़ा, तो कम इंट्रैक्शन हुआ, कम लोगों से आपने इन्वॉल्वमेंट किया, तो maybe that's why it felt a bit disengaging. Otherwise contract was very nice, काफ़ी engaging था, और सबसे बेस्ट पार्ट होती है कि यू हियर टू अस, बेस्ट पार्ट इज़ लाइक यू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू क्लियर द डाउट्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ओनली, मतलब दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑन दैट ऑन द स्पॉट थिंग, तो इट्स वेरी नाइस कि जब भी कुछ होता है तो वी कैन आस्क तुरंत उसी समय, तो आई फील इट्स वेरी नाइस। और हाँ, ओनली ड्रॉबैक आई फाइंड इज़ कि आज का क्लास थोड़ा डिसंगेजिंग था, वो मे बी बिकॉज वो वन वे था थोड़ा ज़्यादा, इसीलिए अदरवाइज आई फील अभी कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लेफ्ट, सो आई फील वो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी मच इट्स प्रिटी इंगेजिंग एंड आई फील इट विल बी नाइस। बस यही है सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। अदरवाइज यू आर अ गुड टीचर, यू आर अ ग्रेट टीचर, यू आर डूइंग रियली वेल, इट्स जस्ट न्यू टू यू ऑल्सो, सो वी आर गोइंग अहेड नाइसली। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर क्लासेज फॉर लीगल and other classes also. I really feel glad that I took these classes, it really helped me, no biasness, no nothing, it really helped me a lot, whether it's legal classes or other classes, it really gives me confidence. Thank you. Hello friends, my name is Indresh. मैंने DULLB entrance के लिए आदित्य सर का legal course join किया है। मेरा legal पहले काफ़ी कमज़ोर था, आज मेरा 8वां दिन है लेकिन मेरा लीगल काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। आदित्य सर काफ़ी इजी तरीक़ों से पढ़ाते हैं, उनके एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। कम टाइम में आप अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करें, कैसे और इम्प्रूव करें, आदित्य सर के कोर्सेज बहुत हेल्पफुल हैं। मैंने यूट्यूब पर पहले काफ़ी टीचर्स को पढ़ा सुना उन्हें, लेकिन आदित्य सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। कम टाइम में आपकी तैयारी के लिए आदित्य सर से अच्छा कोई टीचर नहीं मिलेगा। थैंक यू आदित्य सर, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उनके कोर्सेज को ज्वाइन करें और हेल्प लें। थैंक यू आदित्य। बिफोर द क्लासेस बिगैन विद आदित्य सर, आई वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ माई प्रेपरेशन एंड आई वॉज नॉट श्योर इफ आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, बट आफ्टर आई टुक माई क्लासेस फ्रॉम आदित्य सर, इट वॉज एवरीथिंग वॉज अमेजिंग। आई अंडरस्टूड द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ the legal portion and I'm really thankful to Aditya sir. His examples are so realistic, you're able to relate with the examples, and he is very soft spoken, he understands your perspective, he will teach you in a manner which is very unique and which is very different, and I am really 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 thankful to you sir for teaching in such a positive manner, in such a good manner, and always making the classes so interesting. Thank you sir. Hello guys, मेरा नाम मिथुन है, और जब से मैं सर की क्लासेस लेना शुरू किया हूँ, सच में मेरे बहुत कुछ जितने भी डाउट्स थे सब क्लियर हो रहे हैं। बेसिक मेरे को
बिल्कुल भी मालूम नहीं था, लेकिन मैं अब बेसिक मेरे को आ चुका है तो क्वेश्चन आंसर अब धीरे धीरे हो रहे हैं। सच में क्लास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाखा एंड हियर आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस फ्रॉम द लीगल बैच बाय आदित्य सर। माय एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। सर इज़ वेरी हम्बल, ही क्लियर्स ऑल योर डाउट्स एंड नॉट इवन वंस आई हैव फेल्ट दैट आई हैव वेस्टेड माय मनी ऑन समथिंग अनवर्थी। द कोर्स वाज वेरी नाइस। At first, I was thinking that it might not work, but it worked for me. And I was totally unaware about legal reasoning or aptitude. I had no knowledge, literally zero knowledge. But now I think my confidence has boosted up a lot and I can clear my law entrance exam. All credit goes to Aditya sir. Thank you so much, sir, for all your guidance and stay blessed. Hi guys, this is Seshan from Bihar. I can say about the course is very good because of three things. First, appropriate to entrance test. Second, way of teaching, which is practical and real life example. And third is a good content. माई नेम इज़ तरनदीप सिंह। मैंने आदित्य सर का 8th लीगल बैच ज्वाइन किया था। जब मैंने ज्वाइन करने से पहले मुझे लीगल के क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व नहीं होते थे, पर सर ने एक एक लॉ अच्छे से समझाया, सारा डिटेल में करके लीगल जो अप्लाई होते हैं लॉस वो बताए सारे हमें, और एक एक चीज़ एग्जांपल दे दे के पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताई, बहुत डिस्क्राइब किया अच्छे से। तो बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने। हेलो, माय नेम इज़ दीपक चौधरी एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ द सोशल इंडियन 8th लीगल बैच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आदित्य सर, सारे डाउट क्लियर हो गए मेरे। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मतलब लीगल हो पाएगा एग्ज़ाम से पहले। बेस्ट प्लेटफॉर्म है गाइस, अगर आपको पढ़ना है लीगल या कुछ भी पढ़ना है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल, रीजनिंग, कुछ भी पढ़ सकते हो आप। मतलब सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल एकदम बढ़िया। एंड सर की सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब वो हमको अपने से रिलेट करते हैं, मतलब वो समझते हैं, वो भी स्टूडेंट हैं, मतलब सारा रूटीन वो भी फॉलो करते हैं एकदम, और मतलब मज़ा आता है पढ़ने में। थैंक यू सर।